सो ए गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो काफ़ी दिनों बाद आज ब्लॉग कर रहा हूँ। मतलब लास्ट कुछ वीडियोस तो बाइक की रिव्यू की थी, शिमला का लास्ट ब्लॉग किया था नॉर्मल जैसे मैं करता हूँ। सो आज काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग करने का टाइम लगा क्योंकि लास्ट कुछ वीकेंड्स काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहा। सो आज है सैटरडे एज यूजली आप जानते हो, सो ज़्यादातर मैं सैटरडे को ब्लॉग करता हूँ। तो आज है सैटरडे, अभी तक तो मैं गुड़गांव में हूँ, सारा जो भी मेरा काम था वो मैंने कर दिया गुड़गांव में। सो अभी जाना है मेरे को घर, बट आज थोड़ा सा ना घर जाने के लिए मेरे पास बाइक नहीं है। वो क्यों नहीं है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। आपके लिए, आप सभी के लिए एक सरप्राइज़ है। सो और नेक्स्ट वीडियो के लिए बिल्कुल रेडी रहना क्योंकि बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाली है नेक्स्ट। आप भी कहोगे हाँ बहुत अच्छी है। सो अभी मेरे पास बाइक नहीं है और मेट्रो में जाने के लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि मैं जाता भी नहीं, बहुत कम मेट्रो में जाता हूँ। सो बाइक नहीं है, मेट्रो में नहीं जाना है, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन है आज बस। सो काफ़ी, मतलब 2019 तक मैं बस में ट्रैवल करता था, तब तक बाइक नहीं थी मेरे पास। सो अब उसके बाद से मैंने बस में ट्रैवल ही नहीं किया, मतलब लोकल जो दिल्ली की बस है ना उनमें तो कभी ट्रैवल ही नहीं किया, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भीड़ होती है। बट आज काफ़ी दिनों बाद मन करा कि बस से जाते हैं। तो अभी मैं अशोक विहार फेस टू में हूँ। सो यहाँ से मैं जाता हूँ कापासेड़ा, कापासेड़ा बॉर्डर से मेरे को बस मिलेगी सीधा कश्मीरी गेट के लिए। मेरे को पूरा रूट पता है क्योंकि काफ़ी पहले, मैं पहले काफ़ी बार आ चुका हूँ उससे। सो 729 बस नंबर है और उससे मैं जाऊँगा और आपको आज अपनी बस की जर्नी दिखा देता हूँ और थोड़ा सा कन्वेंस भी बच जाएगा। और टाइम तो अपने पास शाम तक का है, घर ही तो जाना है, कहीं कुछ करना नहीं है। तो चलो चलते हैं, सीधा मिलता हूँ आपको कापासेड़ा बॉर्डर पहुँच के। सो गाइस पहुँच चुके हैं कापासेड़ा बॉर्डर, काफ़ी ज़्यादा मतलब धूप तो काफ़ी हो रही है। सो अभी हम हरियाणा में, मतलब गुड़गांव में, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि दो कदम दूर मेरी दिल्ली है। तो मतलब इस तरीके का यहाँ पे कुछ बॉर्डर, एक तरीके से बॉर्डर पे तो यही होता है कि एक साइड हरियाणा, मेरे पीछे आप अभी देख सकते हो ये हरियाणा, और मेरे सामने की साइड जो है इस तरीके से है, आपको भी दिखेगा। तो दिल्ली में आपका स्वागत, आपको ये बोर्ड दिख रहा होगा। तो इस तरीके से जैसे ही मैं इसको पार करूँगा वैसे ही ये दिल्ली आ जाएगा। तो अभी आ चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा गर्मी तो लग रही है यार, पर क्या करें, चलना तो पड़ेगा। तो चलो चलते हैं, अब पकड़ते हैं बस कापासेड़ा से, जो भी हमारी 729 बस है, ट्राई करेंगे एसी बस मिल जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। तो अभी चलते हैं और इस बॉर्डर को पार करते हैं। सो ये है यहाँ का कापासेड़ा बॉर्डर, जहाँ से मिलती है कश्मीरी गेट की बस। मेरी बस अभी आई नहीं है कश्मीरी गेट की बस के लिए, मैं वेट कर रहा हूँ। सो बस के आने के बाद चलेंगे यहाँ से, काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है तो ऐसा लग रहा है कि आज बस से आके बहुत बड़ी गलती कर दी, पर कोई नहीं, अब जाना पड़ेगा क्योंकि मेट्रो का भी ऑप्शन नहीं है यहाँ से। चलो चलते हैं, वेट करते हैं और जैसी बस आएगी जब निकलते हैं फिर यहाँ से। मतलब ऑलमोस्ट 3 घंटे मेरे को लगे घर पहुंचने में, मतलब बस से आना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज बाइक से लगता है मैक्सिमम 50 मिनट टू 1 आवर अगर ट्रैफिक ना हो तो, लेकिन बस से लग गए मेरे को पूरे 3 घंटे से भी ज़्यादा मेरे को घर में लग गया। अभी आया हूँ घर पे काफ़ी ज़्यादा, अब जाके रेस्ट वेस्ट किया थोड़ी देर हो गई। तो मतलब बस से आना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो रहा है आज के लिए, बट फिर भी एक अलग एक्सपीरियंस रहा। बट अब नहीं जाऊँगा मैं बस से, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। सो अभी जा रहे हैं, अभी मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया तो वो जा रहा है एक नए कैफ़े में, हमारे यहाँ पे एक नया कैफ़े खुला है, तो एक दो फ्रेंड और भी आ रहे हैं। सो वहाँ पे चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, काफ़ी ज़्यादा सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। तो अभी जा रहे हैं वहाँ पे और मिलते हैं आपको उस कैफ़े में जाके, देखते हैं क्या मिलता है हमें यहाँ पे। एक नया कैफ़े खुला है, देखते हैं, क्योंकि वैसे यहाँ पे ज़्यादा कैफ़े है नहीं, तो उसी में जाके देखते हैं कि क्या मिलता है। चलो चलते हैं।
फाइनली घर में आ चुका हूँ काफ़ी देर बाद, मतलब 2-2.5 घंटे हो गए मेरे को। तो 2-2.5 घंटे बाद मैंने आपको कैफे दिखाया, एक ठीक ठाक, मतलब मेरे एरिया के अकॉर्डिंगली काफ़ी अच्छा था। स्पेशली जो वहाँ का खाना था ना, लाइक हमने जो भी दो चीज़ खाई हमने, सिंगापुरी चाउमीन और चिली पटेटो, काफ़ी अच्छा था। मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि हम कहीं और खा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा खाना तो खा के। और फ्रेंड्स से भी मिल लिए इस बहाने और घूम भी लिए और मेरा ब्लॉग भी बन ही गया। सभी घर आ चुके हैं, अब खाना खाने का तो मन नहीं है बिल्कुल भी, तो खाना बिल्कुल नहीं खाना। तो अभी इस ब्लॉग को करता हूँ एंड, आई होप आप सभी को पसंद आए, ज़्यादा कुछ नहीं था बट आई होप आप सभी को पसंद आएगा। तो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कर देना, वीडियो को स्किप मत करना, ज़रूर देखना। और चैनल पर अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल बिल्कुल ना, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलता है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए बिल्कुल रेडी रहना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो होने वाली बहुत ज़्यादा अमेजिंग। और मिलते हैं आपको जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में जो अमेजिंग होने वाला है। तब तक के लिए बाय।